शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से भाई मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। देख अबे, तू ऐसे हार मत मान, हम करते हैं कुछ। एक तरीका सोचे, तू चल रास्ते में, मैं बताता। भाई श्रद्धा को अकेले छोड़ के थोड़ी ना जा सकता हूँ मैं। अरे उसे कुछ नहीं होगा, सोनिया है ना उसके पास। पर तू अभी जल्दी चल, हमारे पास सिर्फ 15 घंटे बाकी है। जल्दी चल। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। सारे पैसे हमें मिल जाने चाहिए। सोनिया, सिर्फ 15 घंटे रह गए, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? श्रद्धा, अभय और वरुण तो गए ही है ना कुछ इंतजाम करके ही लौटेंगे। अरे भगवान, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा बच्चा श्रद्धा, मेरा बच्चा श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत तो बिगड़ रही है। श्रद्धा, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये देख रही हो श्रद्धा? अब देखो कि हम इसके साथ क्या करते हैं। पायल, नहीं नहीं पायल, अब हमारी बात ध्यान से सुनो और समझो। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये ले अबे। भाई यार, मन नहीं मान रहा यार। अबे हम गहने गिरवी तो रख रहे हैं ना, और फिर एक बार तेरा बच्चा आ जाए, हमें पायल से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद पैसे देके वापस ले आएंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता यार। देख मेरी बात सुन, उस सोने का क्या फायदा जो मुश्किल में काम ना है। अपनों की मुश्किलों में अगर ये काम नहीं आया तो इसका क्या फायदा है? भाई यार, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूंगा यार? अबे छोटा भाई है तू मेरा, तुझे मुश्किलों से निकालना फर्ज है मेरा। और फिर श्रद्धा ने न जाने कितनी बार अपनी जान दांव पे लगाकर कीर्ति और कियारा को बचाया, मेरे घर को बचाए, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। देख
अभी सब लोग ऊपर चाची जी के पास, तू जल्दी से जा, ये गहने गिरवी रख और पैसे लेके आ। सोच लिया करो बुआ जी, ये ज्ञान हमें देने से पहले ना आप इस अभय को ज्ञान दीजिए। अरे अभय, तुम श्रद्धा को अकेले छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे गहने चोरी करने आया था यहाँ। क्या? दीदू की ये हालत इस पे बोझ बन गई है ना, इसीलिए हमारे गहने चोरी करके भाग रहा था। अरे हमारा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे गहने हैं चाची जी। ये सब देख के भी आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपका बेटा चोर है। अबे सच क्या है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आंखों से दिख तो रहा है, ऐसी घटिया हरकत करने के बाद भी इसकी आंखों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। बस कीर्ति, बहुत बोल चुकी हो तुम। और ये जिस घटिया हरकत की बात कर रही हो ना, वो इससे नहीं, मैंने की। मैंने तुम्हारे जेवर अभय को दिए थे गिरवी रखने के लिए, लेकिन पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों को इतने पैसे चाहिए क्यों? अभय, वरुण, साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। हम घर के बड़े हैं, घर में क्या हो रहा है ये जानना हमारा हक है। इतने पैसे आप दोनों को किस लिए चाहिए थे? 50 लाख की मांग की है पायल ने मुझसे, वरना वो हमारे बच्चे को, श्रद्धा को। डॉक्टर जल्दी आइए, श्रद्धा की सांसें अचानक से फूलने लगी। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ गई? डॉक्टर, अभी तो यहीं पे थी। आखिर तुम आ ही गई, लेकिन अब तुम यहां से बच के नहीं जा पाओगी।
ये कौन है? ये लोग कौन है भाई? नहीं देखो मुझे जाने दो भाई, देखो प्लीज ये सब मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो, पीछे हटो, मुझे मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है यहाँ पर, पीछे हटो पायल, मेरे बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, मुझे 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 हॉस्पिटल जाना है दोबारा से, पायल प्लीज कुछ तो तरस खाओ मुझ पर, दूर हटो, पीछे हटो, मैं कह रही हूँ पीछे हटो। क्या कर रही हो, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। कोई तरस खाए चाहे ना खाए, तू हर वक्त मौत को चकमा दे ही देती हो ना, लेकिन इस बार तू फंस गई। पायल प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, प्लीज पायल मुझे जाने दो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके पायल, प्लीज पायल। तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसको। क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? नहीं पायल, क्यों कर रही हो तुम ऐसे पायल, मुझे अस्पताल जाना से। तुम लोग श्रद्धा के मायके में रह रहे थे तो हमें कुछ बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? अबे हीरोगिरी की भी हद होती है, मगर नहीं तुम दोनों को ज्यादा पता है ना, अब सर झुकाए काहे खड़े हो, अरे जवाब दो ना अपनी। मजबूर था बुआ जी मैं। मम्मी पायल का खतरा पूरे परिवार पे था, अगर उसे पता चल जाता कि हम सब उसके खिलाफ हैं, तो वो अपने कोख में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी। अरे तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी क्या? बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। अरे अगर हमारा परिवार साथ रहता तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। अबे बेटा तुम्हें इस बात का एहसास है, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से श्रद्धा इस हालत में है आज। इसका ये मतलब हुआ कि पायल ने श्रद्धा के खाने में जहर मिलाया था ताकि वो और उसका बच्चा। इसका मतलब तो ये है कि घर में आज तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब पायल ने किया है, यहाँ तक कि मम्मी आप और यशवी आंटी के साथ भी जो हुआ वो सब पायल ने किया है। अभय तुम परिवार वालों को पहले से सतर्क कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और तुम अपने छोटे भाई की गलतियों पे सलाम ठोक रहे थे। तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ था वरुण? अरे ऋतु हम ही गलत है, अरे इस घर में बड़े ही बेवकूफ हैं, उन्हें सही गलत तो पता ही नहीं। अरे बस बच्चों को ही सही पता है, चाहे वो इसके लिए अपनी जान जोखिम में ही कहीं नहीं डाल दे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस पायल को घर से निकाल देते, पर हमारी सुनता कौन है, सबको लगता है हम बस तमाशा करते। हम उस पायल का ना पूरे कानपुर में हम तमाशा बना देंगे, जेल की हवा खिलाएंगे उसे, जेल में सड़ेगी वो। कोई फायदा नहीं है, पायल कहीं नहीं मिल रही है। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अस्पताल जाने दो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी
मेरे बच्चे की भी हालत ठीक नहीं है, मुझे दोबारा से अस्पताल जाना होगा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा पायल? तुमने तुमने हमें 24 घंटे की मोहलत दी थी ना, हाँ? तुम्हारे पैसों का इंतजाम वरुण जी और अभय कर रहे हैं, और जैसा तुमने कहा था ना पायल, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के खिलाफ जो हुई कंप्लेंट, उसे वापस लेने के लिए वो भी कर देंगे। लेकिन प्लीज पायल, मुझे जाने दो, प्लीज पायल, जब तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम्हारी झूठी बातों में हम बेवकूफ बन जाएंगे, जैसे तुमने हमें मंडप में बनाया था, जैसे अभय जी ने हमारे साथ प्यार का नाटक किया था? नहीं पायल, ये कोई नाटक नहीं है, मेरी बात से यकीन करो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। तब भी तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अभी तक तो पूरे त्रिपाठी घर में हमारे गायब होने का ढिंढोरा पीट चुका होगा। नहीं पर अभय जी ने और वरुण ने सबको सच्चाई हमारी बता ही दी होगी, तो फिर हमें अपना सुरक्षा बीमा तो करना पड़ेगा ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा पायल, प्लीज मुझे जाने दो पायल, प्लीज। तुम्हारे खोखले वादे अब हमारे किसी काम के नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई, तुम्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा? कहाँ हो तुम अभय, प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो। अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? मुझे ये पैसे पायल को देने ही होंगे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अभय, तुम कीर्ति के गहने गिरवी नहीं रखोगे, ऐसा हम तुम्हें देंगे। अगर फिर भी कम पड़े तो नैना जी के गहने गिरवी रख देंगे। नहीं भाई साहब, पायल के पेट में पलते हुए बच्चे से हमें मतलब ही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए पैसों का इंतजाम काहे करें? तनुजा जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? अपने घर के चिराग को ठुकरा रही? नहीं, वो हमारा चिराग हो ही नहीं सकता। अरे जो पायल किसी को मारने तक का सोच सकती है, उसके खराब संस्कार तो उस बच्चे में भी आएंगे ना, हम उसको कभी नहीं अपना सकते। बस आखिरी महीने में उसे कैसे छोड़ दूं मैं? मम्मी, मेरा बच्चा है वो, मेरा अंश है। और आप एक माँ होकर अपने बच्चे को कह रही हो कि अपना बच्चा भूल जाए? तनुजा जी, मैं समझ सकता हूं ये सब सुनने के बाद आपको धक्का लगा है, लेकिन पायल के कोख में अभय का खून है, और ये सच आप बदल नहीं सकते। सुने बोलूं, क्या अबे अबे कहां जा रहा है? अबे अबे रुक जाओ, अबे अस्पताल में नहीं। हे भगवान,
अस्पताल में नहीं है। हाँ हमें लगता है ना कि वो पायल ने दीदू को अगवा कर लिया है। पता नहीं हमारी दीदू कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हम पुलिस को फोन कर। भाई साहब पुलिस को मत फोन करिए। अगर उस पायल को पुलिस के बारे में पता चल गया तो वो हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को जरूर चोट पहुंचाएगी। भगवान नहीं तनुजा भाभी, पायल कितनी भी कोशिश कर ले श्रद्धा को चोट पहुंचाने की, श्रद्धा को कुछ नहीं होगा क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। कुछ नहीं होगा उसे। हाँ तनुजा, कुछ नहीं होगा हमारी श्रद्धा को। माता रानी मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए माता रानी। कुछ भी करके उन्हें आने निकालिए। हेलो अभय, श्रद्धा मिली क्या? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।